तो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि इंजन हमारे सामने रखा हुआ है, मैं आपको इसके मोटी मोटी डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका पिस्टन आपको खोल के दिखाता हूँ कि है क्या ये और कौन कौन से पार्ट मैंने इसे लिए हैं ताकि आप लोग खरीद सको। तो ये है इसका पिस्टन और ये इसका पीछे का पार्ट हो गया। तो ये है सिलाई मशीन की कनेक्टेड रॉड, ठीक। और ये पिस्टन मैंने बनवाया था इसके अकॉर्डिंग। ये है जिप्सी का व्हील सिलेंडर जो जिप्सी के टायर के अंदर ब्रेक को कंट्रोल करता है, उसका सिलेंडर मैंने लिया था और उसका पिस्टन मैंने बनवा लिया था, ठीक। और ये कनेक्टेड रॉड इसमें मैंने कनेक्ट कर दी पीछे इस तरीके से वेल्डिंग करा के, ठीक है। मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो जिप्सी का हो गया व्हील सिलेंडर, ये स्पार्क प्लग बाइक का ले लिया हमने। उसके अलावा ये देख सकते हो आप, ये साइकिल के उसमें बाइक के अंदर जो टायर के अंदर वॉल बॉडी लगी हुई होती है उसके मैंने वॉल बनाए। तो ये वो वॉल लगा हुआ है, एक आगे लगा हुआ है, ठीक है। इसको किस तरह मैंने मॉडिफाई किया वो ट्यूटोरियल में आप देखोगे बाद में बारीक डिटेल। उसके बाद ये इसकी गाइड है, एक गाइड ये लगी हुई है इसको गाइड करने के लिए इस वॉल को, और एक यहाँ लगा हुआ है इस वॉल को गाइड करने के लिए, ठीक है। ये है जहाँ से इसका एग्जॉस्ट निकलेगा जैसे धुआं निकलता है, और यहाँ से ये एयर को लेगा, ठीक। उसके बाद हमारी ये है केम, केम को कंट्रोल करती है ये वाली, ये केम लगी हुई है। इसको मैंने बनाया 90 डिग्री के ऊपर केम को, ये वुड की है आप देख सकते हो, मैंने वुड में बनाया था इसको और ये 90 डिग्री के ऊपर बनी हुई है, एक का एंगल दूसरे से 90 डिग्री पे है, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा किस तरह बनाया था। और ये हमारी गरारियाँ हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बस यही एक पार्ट मैंने नया मंगाया था, ठीक है। तो ये गरारियाँ मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसका ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो, ठीक। ये गरारियों की खासियत ये होती है कि एक के दांते इससे छोटी वाली से डबल होने चाहिए तभी ये चलेगा, ठीक। उसके अलावा एक केम यहाँ लगी हुई है जो स्पार्क प्लग को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये भी मैंने वुड की बनाई है, ठीक। ये जो पार्ट लगा हुआ है ये मिलता है आपको वॉशिंग मशीन के अंदर, जो टाइमर होता है उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक मैंने लिए है सिलाई मशीन के अंदर से, सिलाई मशीन की जो क्रैंक होती है वो लगा हुआ है। ये जो इसका फ्लाई व्हील है, ये फ्लाई व्हील आपको मिलेगा, ये जो होता है कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर होते हैं उसकी पुली है ये, 9 इंच की पुली चाहिए हमें तो 9 इंच की पुली ले लें, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये लीड हो गई, और ये जो आप नीचे देख रहे हो रखा हुआ ये दिखा देता हूँ मैं आपको निकाल के, ये कॉयल है। ये कॉयल जो होती है ये कार की मारुति के अंदर से मैंने निकाली है, और इसके अंदर आप कंडेंसर लगा हुआ देख सकते हो, ये भी मारुति के अंदर से मिलता है। तो ये मारुति कार की इग्निशन कॉयल है, तो उसको हमने इसके अंदर यूज किया है। पहले मैंने एक मॉड्यूल लगाया था लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो इस बार मैंने इसको बदल दिया है। ये पुरानी आपको मिल जाएगी 150 रुपए की, ठीक है, क्योंकि ये वीक जब हो जाती है तो निकाल दी जाती है गाड़ी से, पुरानी गाड़ी होती थी वो इसी तरह चलती जैसे मारुति कार हो गई, ठीक है। तो उस कॉयल को आप 150 रुपए की ले लें, ये मिल जाएगा आपको 100 रुपए का लगभग, ठीक है। पिस्टन जो मैंने बनवाया था उसके 150 रुपए लिए उसने मुझसे, ये जो पिस्टन मैंने इसके अकॉर्डिंग बनवाया था तो उसने मुझसे 150 रुपए लिए थे, क्योंकि ये पिस्टन हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए फंसता हुआ, एयर लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, और बाकी वुड का बेस बना हुआ है। तो बेस मैंने वुड का बना रखा है, लेकिन आपको वुड का बेस नहीं बनाना है, मैं आगे चल के इस इंजन को मॉडिफाई करूंगा और अच्छे तरीके से, लेकिन वो करूंगा मैं तब जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो फिलहाल आप ये पार्ट खरीद के इस तरह का बना लें, या आप खुद से अपना जो फाउंडेशन है वो लोहे का बनाएं, क्योंकि हुआ क्या कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि इसने पूरे फाउंडेशन को ही तोड़ दिया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से आप देख सकते हो जॉइंट लगा हुआ है, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया ज़्यादा पावर पे तो इसने इसको तोड़ दिया था। तो मैंने इसको ज़्यादा पावर पे नहीं चलाना है, हल्के पावर पे चलाना है ताकि आप देख सकोगे वर्क करता है। तो ठीक है, अभी आप मोटी मोटी बातें इसकी समझ चुके हो, कॉयल मैंने यहाँ अटैच कर दी है, इसकी सीरीज, इसके करंट के बारे में, किस तरीके से ये कनेक्शन होंगे सब ट्यूटोरियल में आप समझ जाओगे। अब इसका पिस्टन हम इसके अंदर अटैच कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं, ये हम इसका पिस्टन इसमें डाल देते हैं। अभी मैं आपको इसके कार्बोरेटर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वही है, वीडियो से बने रहे, स्किप नहीं करें। तो ठीक है, मैंने इसका लगा दिया है पिस्टन के अंदर वापस, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, इसका सक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये वाली जो केम है आप देख सकते हो, ये चलती है तो अंदर पेट्रोल और एयर जाता है, ठीक। और जैसे ही ये केम आती है हमारी, ये इसको पार करके इस जगह यहाँ पे स्पार्क हो जाता है, ये स्पार्क कर देता है तो कम्बस्चन से पिस्टन पीछे आ जाता है, ठीक। उसके बाद जैसे ही ये पीछे की तरफ आता है, यहाँ ये वाली केम सामने आती है और यहाँ से धुआं निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कार्बोरेटर के बारे में, ठीक। ये इसका फ्यूल टैंक है और यही इसका कार्बोरेटर है, ठीक। क्योंकि हमने इसको लगा रखा है कुछ इस तरीके से, आप ये देख सकते हो ये वाला पाइप आ रहा है नीचे तक फ्यूल के अंदर,
और एक पाइप ऊपर लगा हुआ है। जब ये सक्शन करता है, यहाँ से इसको सक्शन करेगा एयर को अंदर, तो एयर आएगी इस जगह से और फ्यूल के अंदर जाएगी, फ्यूल के अंदर मिक्स हो गया एयर वापस कंबस्टन चैम्बर में जाएगी, और कंबस्टन चैम्बर में जाने के बाद वो वहाँ पे स्पार्क प्लग करेगा कंबस्टन, उससे ये इंजन चलता है। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी डिटेल, और अब मैं आपको ट्यूटोरियल का वीडियो में आप समझ जाओगे बाकी चीज़ें। बैटरी के स्पार्क प्लग के लिए, कॉयल चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, और बस इतना ही है। अभी इसके अंदर ऑयलिंग कर देते हैं और उसके बाद हम इसको चला के देखते हैं। तो ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। तो सबसे पहले इस बैटरी को रख देते हैं नीचे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ऊपर रखने की, ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस रहे, और बस ये हमें दूसरे बैटरी के टर्मिनल से जोड़ना है, तो इस स्पार्क प्लग के अंदर करंट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी कार्बोरेटर और फ्यूल टैंक दोनों हम जोड़ रहे हैं यहाँ, ये देख सकते हो आप जो मैंने वाल्व बनाया आगे का, तो इसके साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो जब पिस्टन सक्शन करेगा इस तरीके से, अब पिस्टन सक्शन कर रहा है तो अंदर यहाँ से अब बबल आ रहा है, इसके अंदर एयर सक्शन कर रहा है, यहाँ से एयर फ्यूल में जा रही है और वही एयर अंदर जा रही है फ्यूल में मिलके, तो फ्यूल और एयर दोनों चले गए एक साथ अंदर। उसके बाद स्पार्क प्लग करेगा कंबस्टन। ठीक, तो अभी हम इसको चलाते हैं, इसका हम ये लगा देते हैं लीड और चले। गाइस अब ये चल रहा है, ये पूरा इंजन पिंजन हिल गया इसका, इसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी है, वर्क अच्छा है, पावर बहुत ज़्यादा थी मैंने कम कर रखी है, वरना ये सब कुछ तोड़ ताड़ के निकल जाएगा आगे। ठीक है, तो बड़ी स्पीड, इसकी स्पीड अच्छी खासी स्पीड है। कोयल करंट मार देगी, जहाँ हाथ लगा रखा, हाथ डाले हाथ वाले। इसकी पावर को बाद में इंक्रीज करेंगे 10,000 सब्सक्राइबर के बाद, तो अभी काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हो टेबल को दो दो लोगों ने पकड़ रखा है, वरना तो ये पता नहीं कहाँ भागा जाएगा, और बेटर तरीके से इसको हम डेवलप करेंगे और अच्छे से। अच्छी खासी पावर है, इससे आप 12 वोल्ट का जनरेटर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उग गया, गर्म हो गया बुरी तरीके से। मैंने दूसरे एंगल पे बदल दिया था आपको, ताकि आपको कार्बोरेटर और बाकी मैकेनिज्म इधर का भी दिख जाए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसे नीचे उतार लिया है क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है, ले देके एक ही सहारा मेरा टूट टाट जाएगी वो, तो मैंने नीचे जमीन पे मजबूत बेस पे रख लिया इसको, और यहाँ चलाएंगे इसको, और मैं आपको चारों तरफ से दिखा भी दूंगा ताकि आपको लगे कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है। तो ये स्पार्क प्लग की हमने लगा दी कॉइल की, और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग देख रहा हूँ कितनी बढ़िया, एक सेल्फ में स्टार्ट है।
तो गाइस यार आपके भाई की मेहनत के ऊपर 1000 लाइक, इतने तो करी दो यार कम से कम, बस 1000 लाइक कर दो इस वीडियो के ऊपर, और कुछ नहीं चाह रहा मैं आप लोगों से। बाकी जो आपने कहा था वो मैं पूरा कर चुका हूँ, इंजन बना दिया, वो बहुत अच्छे वर्क कर रहा है। आप बनाओ घर में, ट्यूटोरियल मैं एक दिन के गैप से डाल दूंगा सारी डिटेल के साथ, आप पार्ट खरीदें और खुद घर में बनाएं। इंडिया का पहला यूट्यूबर हूँ जिसने पेट्रोल इंजन बनाया होममेड, तो 1000 लाइक तो यार बनते ही है, ठीक है।